ओम वंदे गौ मातरम बंधु। लिख दो क्रांति से मैं हूं प्रभा, आप सबका स्वागत है। मित्रों, हम अपने भारत देश में कुछ चीज़ें बड़ी अजीब देखते हैं। हमने अक्सर देखा है कि फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये जो समय होता है हमारे देश में, हमारे छोटे से लेकर बड़े बच्चों तक की परीक्षाओं का समय होता है। बोर्ड के पेपर भी इसी समय होते हैं। स्कूलों में हर तरीके के पेपर, यानी स्कूल कॉलेजेस के जो पेपर्स होते हैं, इसी समय होते हैं। और इसी समय ही IPL या वर्ल्ड कप आदि जैसे मैच भी होते हैं। मित्रों, आप छोटी सी बात को यदि समझेंगे तो आपको बहुत सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। पहली बात क्या है कि जो मैच होते हैं वो हमारे देश में बच्चों का भविष्य बर्बाद करने के लिए हैं, क्योंकि ये जो समय है वो स्पष्ट बताता है कि ये समय सच में हमारे देश के बच्चों को बर्बाद करने के लिए ही ये मैच आते हैं हमारे देश में, कम से कम। क्योंकि ये समय जो चल रहा है, बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, और आजकल की जो पढ़ाई होगी वैसे भी मात्र बच्चे अंतिम समय में पढ़ते हैं और पढ़ाई करके परीक्षा दे दी और उसके बाद दूसरे दिन भी उन्हें कुछ याद नहीं रहता है। और ऐसी स्थिति में जब ये मैच आते हैं, बच्चों का ध्यान मैच में लगा होता है, बच्चों का ध्यान पढ़ने में होता ही नहीं है। और ऐसी स्थिति में जब बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाते हैं तो उनको अधिक से अधिक तैयारी करने के लिए ट्यूशन और अन्य चीज़ों का सहारा लेना पड़ता है। और मित्रों, कई बार तो कुछ बच्चे नकल आदि करते पकड़े जाते हैं, और ऐसी स्थिति में क्या क्या होता है ये हम सब जानते हैं। तो हमें इस मैच को, हमें इस क्रिकेट को कितना आगे बढ़ाना चाहिए। और बीच में हमने देखा था कबड्डी का जो मैच होते थे वो भी इसी समय होते थे। कबड्डी खेल अच्छा, हमारा भारतीय खेल है, लेकिन बात इतनी सी है कि ये चीज़ें सारी की सारी बच्चों की परीक्षाओं के समय ही क्यों? इस पर यदि आप विचार करते हैं, और इस समय यदि आप अपने घर में, क्योंकि यदि बड़े इन चीज़ों को देखते हैं तो बच्चे अपने मन से उन चीज़ों को नहीं हटा पाते हैं। यदि आप बच्चों को रोकना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने ऊपर नियंत्रण लाना होगा। यदि आप अपने ऊपर नियंत्रण लाते हैं तो ही बच्चे इस चीज़ से हट पाएंगे। यदि आप अपने ऊपर नियंत्रण लाते हैं, और ऐसे हमारे देश में बहुत सारे घर हो जाते हैं, तो इनकी TRP अपने आप कम हो जाएगी और इस समय होने वाले मैच अपने आप बंद हो जाएंगे। तो यदि आप अपने बच्चों के भविष्य को सही करना चाहते हैं, संवारना चाहते हैं, तो थोड़े समय के लिए इन IPL, इन क्रिकेटों, इन मैचों को साइड पे कर दीजिए, देखना बंद कर दीजिए। कम से कम वो लोग तो इसका साथ दें जिनके घर में बच्चे पढ़ाई करते हैं, और वो लोग साथ दें जो इन बच्चों के थोड़े से हितैषी हैं। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप देखिए कैसे विवश हो जाएंगे, क्योंकि इनको TRP से मतलब होता है, इनको दर्शकों से मतलब होता है। उन्होंने देखा है कि दर्शक हमें हर समय मिलता है, और विशेषकर इस समय भी मिलता है। तो जब उन्हें दर्शक मिलता है तो युवा पीढ़ी को कैसे बर्बाद किया जाए, ये सारी योजनाएँ कहीं बनती हैं। और आप देखिए योजना के रूप में हमें समझ में आता है, और सारी की सारी वैसी ही योजनाएँ होती हैं। मित्रों, हमें यदि अपने बच्चों को बचाना है, यदि हमें अपनी आने वाली पीढ़ी को सही करना है, तो हमें अपने ऊपर नियंत्रण करना होगा और इन चीज़ों को अपने घर से हटाना होगा। यदि आप माता पिता हैं तो आपको अपने बच्चों के भविष्य के लिए इतना करना ही होगा, और ये आपकी जवाबदेही है, जिम्मेदारी है अपने बच्चों के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, अपने मित्रों को बताइए, क्योंकि ऐसी चीज़ों से ही क्रांति आती है, और ऐसी छोटी छोटी बातों से ही हम क्रांति लिख सकते हैं। धन्यवाद। वंदे मातरम।